आने जाना है माँ, मैं दरोगा साहब से जाकर लपक के आऊंगा। दरोगा जी मेरी मदद करेंगे, मेरे पिताजी का जरूर जाएगा। माँ क्या बेटा, तू जरूर जा, तू जाएगा, फादर जाएगा और पुलिस वाले तेरे बाबूजी का पता जरूर लगा लेंगे। मुन्ना तू जल्दी जा, ये बात थाने में जरूर बता के अपने बाबूजी का पता लगा के। मुन्ना सारी दुनिया की खुशी तेरे कदमों में ला करके डाल दूंगा माँ। अरे मेरे जिस्म के एक एक बूंद भी तेरे काम आएंगे माँ, तो ये तेरा बेटा अपने शरीर का एक एक बूंद खून तेरे कदमों में न्योछावर कर देगा माँ। अरे तू इस तरह से रोएगी, अरे तू इस तरह से रोएगी तो ये तेरा बेटा ज्ञान जिंदा भैया को।
प्यार ओ अरे यार ओ पुलिस के पास जाएगा और ये बात बताएगा, जरूर पुलिस वाले जरूर मेरे पति को जरूर पता लगेगा। बच्चे के पति का इंतजार करते हो, जितना जल्दी आ जाएगा उतना ही मेरे दिल से तसल्ली हो जाएगी। हमारे जो कि मेला मालिक पवन भैया के पिताजी की तरफ से केसियन को देते हुए 11 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद के कामना बात धन्यवाद तो से क्या खाते हैं
साफ कुट्टू वाली बात क्या ए लड़की लेजर लाइट मारा बंद कर जा अब बंद कर भज्जा अब समझा बंद कर बे लड़का माता सारे साहब हाँ बोल हमारे पास एक तो विचार थे तो ना ये साहब हाँ साहब सवेरे जब सोए के उठी थी बैठा साहब आप बैठा हाँ सुन हाँ बोल जब साहब सवेरे सोए के उठी थी आठ ही मीटर पहुंचे कमरा के पास डाला खसका आज ऐसे डाला खसका ये साहब जानवर सामान निकरा चालू करें जानवर जब हमारा आगे आगे चला जाता है साहब पीछे से उठाए लाठी हम पीछे से दे तेरा नाम आश्रम राम किशोर राम किशोर जी हाँ ठीक है साहब हमें जो तेरा नाम रखा गया है ये सो मैंने दे रहा है लेकिन साहब जी हाँ आजकल जब मैं हल्के में गया था कल तो कौन भाई प्रोग्राम सभा कौन साहब की साहब पसियाने बहुत चालू बनती है क्या जानकारी मिली हाँ जानकारी मिली क्या 100 नंबर भी आई थी जब मेला वहाँ पे लग रहा था 100 नंबर भी आई थी लेकिन ये हमारे कौन जो है ना मेला मालिक वो उनसे बातचीत करके उनको थोड़ा बहुत माल पानी के कर दी रफा चपा कर दी लेकिन साहब हम घुसखोर नहीं है लेकिन कोई देता है तो हम मना भी नहीं करते लेता है घुसखोर नहीं है और मैं बैठकर आराम कर रहा हूँ ठीक है ना अगर कोई आता है तो मैं आपका मुंह काला बड़े साहब का यहाँ छोटे साहब क्या झक मारने के लिए खड़े हैं सर मुझे बड़े साहब से मिलना है बड़े से सरकार मेरा नाम ज्ञान है किसे आया हूँ मैं मेरे पिताजी गायब हो गए हैं ले आया आप बैठ जाइए
साहब, आज दो दिन से मेरे पिता के घर से गायब हो गए। मेरी माँ रो रो करके मर जा रही है सरकार, आप मेरे साथ चलिए, मेरे पिताजी का पता लगाइए, आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है सरकार। तुम्हारे बाबूजी गायब हो गए हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा है, इसलिए सारे पर फोन करने आए हो। घबराने की गंशन, मैं भी तुम कुछ कहना चाहता हूँ।
चड्ढी और लंगोट में जब से मर गए तब से आ गए 500 की नोट में। ये हमारे गांधी जी, ये हमारे करम अली भाईजान की तरफ से जो कि गीता नगर से चलकर आए थे, ये भाई चाहत की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार इस कव्वाली को सुनते हुए आशीर्वाद के कामना बा जहानाबाद पहुंचे। अच्छे भाई के वकील मैदान की तरफ से 10 पैक उकसाए भाई पापा बेटों से सलाम। गुलाब चंद हमारे लल्ला भाई जो की ये दयालपुर से चलकर आए हुए हमारे भाई जान की तरफ से, हमारे भाई साहब की तरफ से, हमारे बहुत ही खास मित्र हैं ये भाई साहब की तरफ से बहुत सारा पुरस्कार आशीर्वाद के कामना भाई धन्यवाद करके कहना क्या है। Oh, no.
अच्छा बताओ भगवान ने वैसा अभी तक आए नहीं, मैं बैठ कर अपने बेटे का इंतजार करती हूँ, देखती हूँ कि मेरा बेटा कितना जल्दी आता है। ये बताओ जोगाल में ये बनाऊंगा किसका है? सर ये सब मेरा है। तुम्हारा ही है? बगल में जो छोटा कमरा है वो भी हमारा। जानसन सबसे पहले तुम्हारे घर की तलाशी होगी। सरकार जी हाँ मेरे घर के तलाशी ले सकते हैं? चौकीदार से कोई इतराज नहीं। इधर आओ। क्या बात है साहब? ज्ञान चलने की घर की तलाशी लो। ठीक है साहब, मैं तलाशी ले रहा हूँ। आप इधर खड़े हो, मैं पूरे घर की तलाशी। इधर आओ बहन। सामने जो दिखाई दे रहा है सर वो मेरे आंगन की बाउंड्री है। सर आंगन चौकीदार इस आंगन में ताजी ताजी मिट्टी कैसे दिखाई दे रही? मुझे मालूम है सरकार, आप खुद ही देख लीजिए। चौकीदार जरा इस आंगन जाकर देखो ये ताजी मिट्टी कैसी है, पता करो।